नमस्कार, पत्रिका मध्य प्रदेश के स्टेट बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसप्रीत। इससे पहले की खबरों से रूबरू हो आए रुख करते हैं इस वक्त की सुर्खियों पर। विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों की एंट्री, बीजेपी और कांग्रेस का एक दूसरे पर हमला तेज। एमपी में बाबा रामदेव ने दिए राजनीतिक रूप बदलने के संकेत, गांधी परिवार को लेकर लिया यू टर्न। एमपी में चुनाव से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 8 IAS अधिकारियों के तबादले। धक्का मुक्की के बाद बोले बावरिया, संघ से अनुशासन सीखे कांग्रेस कार्यकर्ता। राजधानी में आज से 2-3 दिन बारिश होने की संभावना, तेज बारिश के आसार कम। 4 महीने बाद होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार राष्ट्रीय मुद्दे नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दों को चुनावी हथियार बनाने की कोशिश है। बीजेपी और कांग्रेस ने आगामी चुनाव को लेकर राष्ट्रीयता से जुड़े मुद्दे पर एक दूसरे पर हमला तेज कर दिया है, जो आने वाले दिनों में दोनों दलों के बीच एक दूसरे को घेरने का काम करेंगे। विधानसभा क्षेत्र में होने वाले विकास और प्रत्याशी की छवि से ज्यादा इस बार राष्ट्रीय मुद्दे चुनाव में हावी होंगे। हर बार विधानसभा चुनाव में सड़क, बिजली, पानी, स्वास्थ्य सेवाएं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट जैसे मुद्दे राजनीतिक दलों के चुनावी हथियार होते हैं, लेकिन पहले 2018 और फिर 2019 के चुनाव को लेकर ताल ठोक चुके बीजेपी और कांग्रेस के नेताओं ने एमपी सहित चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों को पेश कर एक दूसरे पर हमले की तैयारी कर ली है। राहुल गांधी की अध्यक्षता में हाल ही में हुई कार्यसमिति की बैठक में साफ कर दिया गया है कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ नेशनल इशू को चुनाव मुद्दा बनाया जाएगा। वहीं चुनाव से पहले कांग्रेस की रणनीति भाप बीजेपी ने भी अब राष्ट्रीय मुद्दों को हवा देना शुरू कर दिया है। पार्टी ने तय किया है कि विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय मुद्दों के जरिए कांग्रेस को घेरा जाएगा। एनआरसी के मुद्दे को संसद के बाद अब सड़कों पर उठाया जाएगा। हिंदी पट्टी में इस मुद्दे के जरिए वोट जुटाने की कोशिश होगी। दलित पिछड़ों के वोट साधे रखने, पिछड़ा आयोग को संवैधानिक दर्जा देने का बखान किया जाएगा। ये बहुत दूर की कौड़ी है, लेकिन फिर भी ऊंचे राजनीतिक स्तर पर इस बात की गरम चर्चा है कि क्या कांग्रेस और बाबा रामदेव के बीच कोई राजनीतिक संभावना बनती दिख रही है। बाबा रामदेव के हाल फिलहाल के बयानों पर जाएं तो साफ तौर पर नजर आ रहा है कि उन्होंने भी गांधी परिवार को लेकर यू टर्न ले लिया है, बल्कि यहां तक कह दिया है कि उनके राहुल गांधी से दोस्ताना रिश्ते से हैं और राहुल ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जान फूंक दी है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी सितंबर में ओंकारेश्वर मंदिर से अपना चुनाव अभियान शुरू करेंगे। गुजरात, कर्नाटक के बाद मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में सॉफ्ट हिंदुत्व का फॉर्मूला जमीन पर उतारा जाएगा। इसकी तैयारी जोरों पर है। ओंकारेश्वर नर्मदा का किनारा है और ये साधु संतों व महंतों का गढ़ है। राहुल के साथ इस अभियान में कई महंत साधु हिस्सेदारी करें, इसकी तैयारी चल रही है। कर्नाटक में जिस रथ पर राहुल के कैंपेन किया था, उसे भी मध्य प्रदेश मिलाया जा रहा है। इसी बीच बाबा रामदेव के बेहतर हुए रिश्तों को लेकर भी कांग्रेस नेता उत्साह में है। एक वरिष्ठ नेता ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के कारण गांधी परिवार और रामदेव के बीच रिश्ते बेहतर हुए हैं। उन्होंने अपने पुराने बयानों से यू टर्न लेते हुए गांधी परिवार की आलोचना बंद कर दी है। योग के ब्रांड एम्बेसडर बाबा रामदेव कहने लगे हैं कि यूपी अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल नियमित योग करते हैं। एक समारोह में उन्होंने खुलकर कहा कि बीजेपी के मंत्री अहंकारी हैं। राहुल गांधी की पीएम मोदी को दी गई झप्पे के बारे में जब बाबा रामदेव से सवाल किया गया तो उन्होंने इसकी जमकर तारीफ की और कहा कि वो उन्हें अच्छा लगा। राजनीति में विरोध होता है, मतभेद नहीं होता। वहीं रामदेव के इस रुख को कांग्रेस हिंदी बेल्ट के तीनों राज्यों में आगे तक ले जाना चाहती है। अखिलेश यादव ने हाल ही में मध्य प्रदेश का दौरा कर यादव और ओबीसी वर्ग को इकट्ठा कर बड़ी ताकत दिखाई है। अखिलेश के इस कार्यक्रम के सूत्रधार कांग्रेस के नेता अरुण यादव थे। बताया जा रहा है कि अखिलेश की सलाह पर ही यादव को मध्य प्रदेश का ओबीसी चेहरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है। राहुल गांधी के चुनाव कैंपेन का इंचार्ज उन्हें बनाया गया है। यादव का इलाका खरगोन निमाड़ की 22 विधानसभा सीटें हैं, जहां ओबीसी आदिवासी का एक बड़ा फैक्टर है। बाबा रामदेव जो कि यादव हैं, वे किसी ओबीसी यादव मंच को इन नेताओं के साथ साझा कर सकें, इसकी तैयारी चल रही है।
मध्य प्रदेश में चुनाव से पहले बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। प्रदेश सरकार ने 8 IAS अधिकारियों के विभागों में फेरबदल कर दिया है और नई जिम्मेदारियां सौंपी हैं। जिन अधिकारियों के विभागों में फेरबदल किए गए हैं उनमें नरेंद्र सिंह परमार, जितेंद्र सिंह राजे, एस विश्वनाथन, ललित कुमार दाहिमा, सूफिया फारूकी वली, अनय द्विवेदी, उषा परमार और डॉक्टर फटिंग राहुल हरिदास के नाम शामिल हैं। अगर इनकी नवीन पदास्थापना की बात की जाए तो आपको बता दें कि नरेंद्र सिंह परमार को अपर सचिव मध्य प्रदेश खनिज विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस तरह से जितेंद्र सिंह को कार्यपालक संचालक पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन, ललित कुमार दाहिमा को उप सचिव मध्य प्रदेश शासन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, सूफिया फारूकी वली को प्रबंध संचालक मध्य प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम भोपाल और उषा परमार को उप सचिव वन विभाग बनाया गया है। इसके अलावा अनय द्विवेदी को कलेक्टर मंडला, एस विश्वनाथन को कलेक्टर हरदा और डॉक्टर फंटिंग राहुल हरिदास को अपर कलेक्टर जबलपुर बनाया गया है। बीते महीने भी सरकार ने कुछ IAS अधिकारियों के विभागों और जिलों में तब्दीली की थी। रीवा के बाद विदिशा में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी दीपक बावरिया और गुजरात से आए चिमन भाई मेंडूजा के साथ कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। घटना विदिशा के जालोरी गार्डन में जिला कार्यकर्ता सम्मेलन में हुई, जहां शमशाबाद से पिछड़ा चुनाव हार चुके सिंधु विक्रम सिंह को मंच पर जगह न मिलने पर उनके समर्थकों ने जमकर गदर किया। वे मंच पर चढ़ाए वेंडुजा ने विरोध किया तो कार्यकर्ता आक्रामक होकर उन्हें मारने के लिए दौड़े। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने घेराबंदी कर उन्हें बचाया। इस दौरान बावरिया भी उनके पास बैठे थे। घटना पर बावरिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं को RSS से अनुशासन की सीख लेनी चाहिए। दरअसल बावरिया ने मीडिया से चर्चा में कहा कि एक कार्यकर्ता मंच पर चढ़कर अभद्रता कर रहा था, उसके साथ और भी लोग मंच पर आ गए, ये सामान्य घटना थी। वहीं सिंधु विक्रम सिंह कार्यकर्ताओं के साथ नारेबाजी करते हुए कार्यक्रम में पहुंचे। कुर्सी नहीं होने की वजह से वे नीचे बैठ गए। एक कार्यकर्ता ने उन्हें मंच पर कुर्सी पर बैठने के लिए कहा। यह देख संभागीय प्रभारी चिमन भाई ने उससे कहा कि आप कौन होते हैं निर्देश देने वाले। इस बात पर सिंह के समर्थकों की चिमन भाई से बहस हो गई और उनके साथ धक्का मुक्की की। रीवा में शिक्षा विभाग की लापरवाही के चलते छात्रों का भविष्य अंधकार में जाता नजर आ रहा है। यहाँ शासन के निर्देश पर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मातदंड 2 में अंग्रेजी माध्यम में छात्रों को प्रवेश दिलाया गया था, लेकिन शिक्षक सत्र शुरू होने के बाद वे अब तक यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाने वाले शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई है, जिसके चलते छात्रों की पढ़ाई ठप पड़ी हुई है। विद्यालय में अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन अभी तक यहाँ पर किसी भी नियुक्ति नहीं की गई है। हालात ऐसे हैं कि छात्रों की किताबें तक नहीं खुल पाई। अनूपपुर के भालूमाड़ा में हुए दोहरे हत्याकांड मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। बेरोजगारी के चलते आरोपी काफी लंबे समय से परेशान चल रहा था। पैसों की तंगी को लेकर आए दिन उसका अपनी पत्नी से विवाद होता रहता था। वारदात के दिन भी विवाद हुआ और विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी निर्मल ने अपनी पत्नी और भाभी को गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल आरोपी का जब भी पत्नी से झगड़ा होता था, हमेशा उसकी भाभी उसकी पत्नी का पक्ष लेती थी, जिससे विवाद और बढ़ जाता था। वारदात वाले दिन भी यही हुआ, जिसके चलते उसने दोनों
को ही मौत के घाट उतार दिया, जिसके बाद आरोपी ने अपने बच्चे को रिश्तेदार के घर ले जाकर छोड़ा और खुद ने थाने जाकर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। राजधानी भोपाल में बारिश के लिए जरूरी माने जाने वाले सिस्टम बंगाल की खाड़ी में बन गया है। इसके असर से यहां मंगलवार से 2-3 दिन तक बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि भोपाल में तेज बारिश के आसार कम हैं। वजह यह है कि सिस्टम को अभी ट्रफ लाइन का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक ए के शुक्ला ने बताया कि उत्तर पश्चिमी बंगाल की खाड़ी एवं उसके आसपास कम दबाव का क्षेत्र बन गया है। हवा के ऊपरी हिस्से में 7.6 किलोमीटर की ऊंचाई तक चक्रवाती हवा का घेरा भी बन चुका है। अगले 24 घंटों में यह और स्ट्रांग होगा। 12 साल पहले 2006 में अगस्त में सबसे ज्यादा 36 इंच पानी बरसा था। इसी साल अगस्त में एक दिन यानी 24 घंटे में 11 इंच बारिश हुई थी। यह अगस्त की सबसे ज्यादा बारिश का ऑल टाइम रिकॉर्ड है। कि खाड़ी में बनने वाला यह सिस्टम अगली स्टेज में वही पर नमी इकट्ठा करेगा, जब ये वहाँ से मूव करके जहाँ जहाँ से होकर गुजरेगा उसके 400 मिलीमीटर दूर दक्षिण पश्चिम हिस्से में सबसे ज़्यादा बारिश होगी। चमक वाले बादल बनेंगे, इन बादलों से ही बारिश होती है। जैसे जैसे सिस्टम आगे जाएगा वैसे वैसे बारिश होती जाती है। आपको बता दें कि ट्रफ लाइन अभी ऊपर यानी दिल्ली यूपी तरफ है। जब ये नीचे यानी मध्य प्रदेश के आसपास नहीं आएगी तब तक इससे मध्य प्रदेश को बारिश नहीं मिलेगी। सिस्टम के साथ जब ट्रफ नीचे आती है तो इसके निचले हिस्सों में बारिश होती है। पिछले 10 साल में अगस्त में सिर्फ दो बार 2012 और 2016 में अगस्त की बारिश का कोटा पूरा हो सका था। 2 साल और 4 साल पहले अगस्त में कोटे से ज़्यादा पानी बरसा था। 2011 और 2013 में कोटे से थोड़ी कम बारिश हुई थी। बाकी 4 वर्षों में 1/4 बारिश ही हो सकी थी। सोमवार को सावन मास के 10 दिन पूरे हो गए। अब तक शहर में एक भी दिन पानी नहीं बरसा। सोमवार सुबह एयरपोर्ट रोड, गांधीनगर और उससे सटे इलाकों में मामूली बूंदें पड़ी। दिन का तापमान 29.5 और रात का तापमान 24.2 डिग्री दर्ज किया गया। सुबह से बादल छाए थे। दिन में 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा भी चली। इधर बड़े तालाब का जल स्तर भी 7 फीट से ज़्यादा बढ़ा, लेकिन बारिश थमने से अब कम होने लगा है। मध्य प्रदेश में संभावित महागठबंधन के आसार से गड़बड़ा रहे समीकरण को ठीक करने के लिए भाजपा ने नया तरीका निकाला है। भाजपा की नज़र सपा और बसपा के उन नेताओं पर है जो जिताऊ साबित हो सकते हैं। इनमें बसपा के मौजूदा 4 विधायक भी शामिल हैं। भाजपा संगठन बसपा विधायकों समेत सपा के ऐसे नेताओं को पार्टी में शामिल करने की रणनीति बना रहा है जो उनके इलाकों में बड़े जनाधार वाले माने जाते हैं। वे क्षेत्रीय और जातीय समीकरण के भाजपा के फॉर्मूले पर फिट भी बैठ रहे हों। सतना के रैगांव से बसपा विधायक उषा चौधरी का मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा के मंच पर आना भी इसी रणनीति की तरफ इशारा कर रहा है। सीएम हाउस में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रदेश प्रभारी विनय सहस्रबुद्धे और राष्ट्रीय महामंत्री अनिल जैन के बीच हुई बैठक में इस रणनीति पर मुहर भी लग गई है। कांग्रेस बसपा गठबंधन से भाजपा की 70 सीटें प्रभावित होंगी। भाजपा के लिए गठबंधन चिंता का विषय इसलिए है क्योंकि कांग्रेस बसपा के साथ होने से भाजपा की 70 उन सीटों पर सीधा असर पड़ेगा जहां पिछले चुनाव में जीत हार का अंतर 10,000 वोटों तक रहा है। पिछले चुनाव में भले ही बसपा को 4 सीटें मिली हों लेकिन 10 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी, जबकि 60 सीटें ऐसी थी जिनमें बसपा को 10,000 वोट मिले थे, जिनमें से 17 सीटों पर 20,000 से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। शाहजहाँपुर में पार्टी कार्यालय के फर्स्ट फ्लोर के उद्घाटन में पहुंचे मध्य प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष राकेश सिंह ने पार्टी में किसी भी तरह की गुटबाजी से इनकार किया है। राकेश सिंह ने कहा कि बीजेपी में केवल एक गुट है और वो है भाजपा। युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष और विधायक के बीच हुई मारपीट पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी में किसी भी तरह की अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चुनाव में टिकट को लेकर राकेश सिंह ने कुछ सिटिंग विधायकों के टिकट कटने के भी संकेत दिए। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर 200 का नारा बुलंद किया। कहते चले आ रहे हैं कि राजनीति में सभी को अपनी अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपनी ओर से हमेशा ये कोशिश करती है कि कमर के नीचे कभी भी बात ना हो, लेकिन कांग्रेस जानबूझकर इस तरह के हल्के और घटिया बयान देती है। मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने तो केवल उस बात का जवाब दिया, लेकिन सही जवाब प्रदेश की जनता कांग्रेस को देगी। 2018 है आपका, आप बोले अबकी बार 200 बार, ये आपका रणनीति का रहेगी। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा किए गए कार्य
केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के द्वारा किए गए कार्य, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का परिश्रम और इन सबके साथ जनता का आशीर्वाद, ये हमारी रणनीति और यही हमारी ताकत। पार्टी में गुटबाजी बढ़ रही है, तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि चुनाव में कहीं ना कहीं आपको दिखाई दे। मैं लगातार जिलों का प्रवास कर रहा हूँ, मुझे कहीं पर भी कोई गुटबाजी दिखाई नहीं देती, एक ही गुट दिखाई देता है और वो है भारतीय जनता पार्टी। शाहजहांपुर जिले कहूंगा कि अगर कहीं कोई झूठा मामला दर्ज हुआ होगा तो सरकार निष्पक्ष रूप से कार्यवाही के लिए कहती है। अभी दो दिन पहले जो मामला हुआ, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? विधायक भाजपा जिला कार्यालय में FIR भी दर्ज संज्ञान में आया था, आपने उनको तलब भी किया। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र से बीते दिनों लापता हुए राहुल लाम के युवक की हत्या की गुत्थी सुलझते हुए पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राहुल की हत्या उसके ही पड़ोस में रहने वाले दीपक नाम के युवक ने अपने फुफेरे भाई दिनेश के साथ मिलकर की थी। पुलिस के मुताबिक आरोपी दीपक के राहुल की पत्नी से अवैध संबंध थे और वो उसकी शादी अपने फुफेरे भाई दिनेश से कराना चाहता था। दिनेश और दीपक के बीच डील हुई थी कि अगर दीपक दिनेश की शादी करा देता है तो दिनेश उसे 50,000 रुपए देगा। इसी लालच में आकर दीपक ने दिनेश के साथ मिलकर राहुल की हत्या की साजिश रची और उसे धोखे से अपने साथ ओंकारेश्वर ले गया, जहां से लौटते वक्त तीनों ने रास्ते में सिमरौल के जंगल में शराब पी और इसी दौरान दीपक और दिनेश ने पत्थर से कुचलकर और गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। छिंदवाड़ा के छात्रावास में 3 दिन पुराने एक मामले में छात्रों के दो गुटों में विवाद हो गया। दोनों पक्षों की तरफ से एक दूसरे के ऊपर लाठी डंडों से हमले किए गए, जिसमें कई छात्र घायल हो गए। सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हैरानी की बात तो ये है कि किसी भी जिम्मेदार को इसकी खबर तक नहीं थी। जब ये पूरा मामला प्रकाश में आया तो छात्रावास के अधीक्षक ही एक दूसरे पर आरोप लगाते नजर आए। नियमानुसार रात के समय बच्चों के साथ अधीक्षक का ठहरना अनिवार्य होता है, बावजूद इसके छात्रावास में कोई अधीक्षक रात में नहीं रुकता है। इतना ही नहीं बल्कि सिर्फ एक चपरासी के भरोसे ही पूरे संस्था को छोड़ दिया जाता है। मामला संज्ञान में आते ही सहायक आयुक्त ने 5 बच्चों को छात्रावास से निष्कासित कर अधीक्षकों के खिलाफ विभागीय जांच के निर्देश दिए। मंडला में पुलिस 18.5 किलो गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि 2 युवक कार में गांजा लेकर मंडला की तरफ आ रहे हैं। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए गाड़ियों की चेकिंग शुरू की गई, जिसमें दोनों की गिरफ्तारी की गई। दोनों युवक छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गांजे की खेप लेकर आ रहे थे। फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है, पूछताछ में कई अहम खुलासे हो सकते हैं। रीवा में घर से स्कूल के लिए निकली छात्रा का दिन दहाड़े कार सवार युवकों ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते ही आरोपियों को पकड़ने के लिए तत्काल सभी थानों को अलर्ट कर दिया गया, लेकिन उनका पता नहीं चला। दरअसल वारदात नईगढ़ी थाने के शिवराजपुर गांव की बताई जा रही है। यहां रहने वाली कक्षा 12वीं की छात्रा प्रतिदिन की तरह स्कूल जा रही थी। सोमवार की सुबह स्कूल के समीप पहुंची, तभी वहां कार के में सवार युवक ने उसका पहले से इंतजार कर रहे थे। छात्रा के पहुंचते ही युवकों ने हाथ पकड़कर उसे गाड़ी के अंदर खींच लिया। इस दौरान वहां खड़े लोगों ने घटना को देख लिया, जिसकी तत्काल सूचना पुलिस को दी। आरोपियों को पकड़ने के लिए कंट्रोल रूम के माध्यम से पूरे जिले में नाकाबंदी करवा दी गई, लेकिन आरोपियों का पता नहीं चल पाया। आपको बता दें कि वारदात में प्रयुक्त की गई कार सफेद रंग की थी और उसमें नंबर प्लेट में मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ था। कार में कितने लोग सवार थे इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। छिंदवाड़ा के पिपला में पड़ोसी के घर से सामने जहर खाने वाली लड़की की इलाज के दौरान मौत हो गई। लड़की का 5 दिनों से अस्पताल में इलाज चल रहा था। लड़की की मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम कर नारेबाजी की और मामले की जांच की मांग की। इस दौरान आवागमन पूरी तरह बाधित रहा। सूचना मिलते ही प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाकर मामला शांत कराया। घटना 31 अगस्त की है, जब लड़की ने पड़ोस में रहने वाले युवक के घर के सामने जहर खा लिया था। आनन फानन में उसे सौसर अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर नागपुर रेफर कर दिया गया था। 5 दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस पूरे मामले की जांच करे कि लड़की ने युवक के घर के सामने ही जहर क्यों पिया।
खंडवा में पुलिस ने इमलीपुरा इलाके में छापामार कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक घर से 11 जिंदा मवेशी और 7 संदेही पकड़े। वहीं कलेक्टर ने 2 डॉक्टरों को नोटिस जारी कर दिया है, जबकि निगम के सहायक राजस्व निरीक्षक और जोन 3 के प्रभारी जाफर अहमद को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही प्रशासन ने अवैध रूप से बनाए गोदाम को भी तोड़ दिया है। जानकारी के मुताबिक इमलीपुरा में लगातार शिकायत मिल रही थी कि वहां एक घर में अवैध रूप से गोवंश की तस्करी हो रही है। सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक रुचिवर्धन मिश्र कलेक्टर विशेष गढ़पाले ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई को अंजाम दिया। रीवा में दायित्वों के प्रति लापरवाही बरतने वाले स्कूल शिक्षकों पर कार्रवाई का सिलसिला जारी है। अभी 1.5 दर्जन शिक्षकों पर निलंबन की कार्रवाई को चंद दिन भी नहीं बीते हैं कि फिर से 2 दर्जन लापरवाह शिक्षकों की सूची तैयार कर ली गई है। वहीं शिक्षा अधिकारियों की ओर से ताबड़तोड़ निरीक्षण के बाद कार्रवाई के लिए प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की ओर से स्कूलों के निरीक्षण के बाबत गठित शिक्षा अधिकारियों की तीनों टीमों ने 80 से अधिक स्कूलों का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान करीब 26 शिक्षकों को बिना सूचना अनुपस्थित रहने, बेसलाइन टेस्ट और ब्रिज कोर्स संचालन में लापरवाही बरतने जैसे मामलों में चिन्हित किया गया है। हालांकि इस बार कार्रवाई से पहले शिक्षकों से स्पष्टीकरण मांगा जाएगा। ग्वालियर नगर पालिका के विशेष सम्मेलन में दोषियान कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने और दूसरे एग्रीमेंट के आधार पर अधूरे पड़े हुए काम को जल्द पूरा कराए जाने पर जोर दिया गया है। बीजेपी के नगर मंडल अध्यक्ष और पार्षद भानु दुबे ने सम्मेलन के दौरान उन लोगों पर कार्रवाई की मांग की है जिनके चलते प्रोटेक्ट के कामों में बड़ी खामियाँ रह गईं और काम होने में देरी हुई। शहडोल में बीते कई दिनों से अटका पड़ा सौभाग्य योजना का काम जल्द ही शुरू हो सकता है। पोल और ट्रांसफार्मर न होने की वजह से कुछ दिनों के लिए काम रुक गया था। महीने पहले बिजली के इन सामानों को लेकर ऑर्डर किया गया था, अब इन सामानों का बड़ा खेप संभाग में पहुंच गया है जिससे जल्द ही ये काम फिर से शुरू हो जाएगा। मंदसौर में पीजी कॉलेज की जमीन पर हुए अतिक्रमण के विरोध में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। एबीवीपी के कार्यकर्ता शहर के बीएसएन दफ्तर के बाहर जमा हुए और चक्का जाम कर प्रदर्शन कर जमकर नारेबाजी की। एबीवीपी के कार्यकर्ता करीब 2.5 घंटे तक सड़क पर बैठे रहे और प्रदर्शन किया, जिसके बाद तहसीलदार और पीजी कॉलेज के प्राचार्य सहित अन्य जिम्मेदार अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों को समझाइश दी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने मांग की है कि जल्द से जल्द कॉलेज की जमीन पर अतिक्रमण हटाया जाए। रीवा में टीआरएस कॉलेज में प्रवेश के लिए 7% की बाध्यता को खत्म करने के लिए एनएसयूआई के सैकड़ों छात्र कॉलेज प्रबंधन को ज्ञापन देने पहुंचे। जब कॉलेज प्रबंधन द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई तो छात्रों ने हंगामा करना शुरू कर दिया। छात्रों ने कॉलेज चौराहे में जाम लगा दिया। इस दौरान पुलिस ने छात्रों को समझाइश देकर जाम खुलवाने का प्रयास किया, लेकिन वो जिला कलेक्टर को बुलाने की मांग पर अड़े रहे। दरअसल एनएसयूआई के छात्रों का कहना था कि महाविद्यालय में सभी विषयों में 60% की बाध्यता है और महाविद्यालय में कुछ विषय ऐसे हैं जो 60% बाध्यता होने के कारण उर्दू, संस्कृत, संगीत जैसे कई विषयों में शीट नहीं भर पाते हैं, जिसकी वजह से लगातार कई वर्षों से छात्रों की संख्या कम होती जा रही है, लेकिन इस वर्ष 60% बाध्यता के कारण छात्रों की संख्या बिल्कुल ही कम हो गई है। अगर महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की संख्या इन विषयों में कम रह गई तो उच्च शिक्षा विभाग इन विषयों को बंद कर सकता है। एनएसयूआई के छात्रों का आरोप है कि प्री प्लानिंग कर प्राइवेट कॉलेजों को फायदा पहुंचाने के लिए 60% की बाध्यता रखी गई है। सिवनी के ग्राम तिघरा शासकीय स्कूल में राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत गोपालगंज आरबीएस की टीम के द्वारा सभी छात्र छात्राओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर दवा वितरित की गई। साथ ही चिकित्सकों ने स्कूल में उपस्थित समस्त बच्चों को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी एवं मौसमी एवं संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए जानकारी दी। स्कूल की प्राचार्य डॉक्टर आराधना राजपूत ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछले 4-5 सालों से प्रतिवर्ष उनके स्कूल में गोपालगंज की टीम के द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। जांच में अव्यवस्था एवं गंभीर बीमारी अगर किसी बच्चे में मिलती है तो उसको दवाई भी दी जाती है और आवश्यकता अनुसार जिला चिकित्सालय में लगने वाले निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरों एवं हायर सेंटर में उपचार के लिए रेफर भी किया जाता है। हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है ये पता लगा है, और ये भी हम आपसे जरूर बताना चाहेंगे कि इस बच्ची ने पिछले साल स्वास्थ्य परीक्षण नहीं दिया था क्योंकि वो उस दिन एब्सेंट थी,
तो इस बार उसके हार्ट में थोड़ी सी प्रॉब्लम बताया है डॉक्टर साहब लोगों ने, और एक इसके लिए कार्ड बना के दिया है। इनके पेरेंट्स को भी सूचना दे दी गई है कि किस तरह से वो अगर चाहें तो बाहर किसी शहर में अपना इलाज करा सकते हैं। इलाज पूरी तरह से निःशुल्क होगा, फ्री होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। या इंदौर में कलेक्टर ऑफिस के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ट्रैक्टर पर सवार होकर रैली निकाली। इस रैली में जिला कांग्रेस के नए अध्यक्ष सदाशिव यादव, कार्यवाहक अध्यक्ष मोती सिंह पटेल और सोरा पटेल शामिल थे। इस रैली के कारण सड़कों पर जाम लग गया, जिससे जनता परेशान होती रही। रीवा में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर चुनाव में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया। इस दौरान मतदान दल गठित करने और कर्मचारियों को वोटिंग से संबंधित बारीकियां समझाई गई। प्रशिक्षण के बाद कलेक्टर ने हिदायत भी दी कि किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर चुनाव के दौरान किसी भी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो इसके लिए कर्मचारी ही जिम्मेदार होंगे। कटनी में जनसेवा समिति के बैनर तले जमीन के मालिकाना हक की मांग को लेकर रैली निकाली गई। इस दौरान लोगों ने शहर का भ्रमण कर SDM को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद ये रैली राजमंत्री संजय पाठक के निवास पहुंची, जहां पर मंत्री जी के उपस्थित न रहने पर लोगों ने मौजूद कर्मचारियों को ज्ञापन सौंपा। वहीं मंत्री पाठक ने फोन पर लोगों को संबोधित कर होने वाली कैबिनेट बैठक में मामलों पर चर्चा करने का आश्वासन दिया। शाहजहापुर में पत्रिका की खबर का असर हुआ है। AB रोड पर असंतुलित और तिरछे पेड़ों की नगर पालिका द्वारा कटाई की गई है। AB रोड पर शिक्षा विभाग के सामने बबूल के पेड़ रोड के ऊपर से निकल रहे थे, जिनकी ढाल कई बार टूट जाती थी। वहीं बड़ा हादसा होने का भी डर बना रहता था। पेड़ काफी पुराने थे, जिन्हें नगर पालिका द्वारा काट दिया गया। ट्रेनों के समय पर नहीं पहुंचने से लोगों को घंटों उसका इंतजार करना पड़ता है। छिंदवाड़ा में भी पतालकोट एक्सप्रेस के समय पर नहीं आने से लोग परेशान रहे। छिंदवाड़ा से दिल्ली सराय रोहिला तक करीब 2 दर्जन से अधिक स्टेशनों से गुजरती है, लेकिन परासिया के बाद ये बहुत देरी से पहुंचती है। यात्रियों ने ट्रेनों के टाइम टेबल को लेकर शिकायत भी की, लेकिन इनके टाइम टेबल में कोई बदलाव नहीं किया गया, जिससे यात्रियों को दूसरी ट्रेनों का इंतजार कर उसे यात्रा करना पड़ता है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहें पत्रिका मध्य प्रदेश के साथ।